बांदा के वित्तीय कार्य योजना 2019-20 में शासन से अवमुक्त धनराशि 3,69,65,00,000 के निर्धारित धनराशि पर सापेक्ष अवमुक्त धनराशि 2,98,77,26,000 शासन द्वारा धनराशि अवमुक्त कराई गई थी, जिस पर आगामी वार्षिक जिला कार्य योजना 2020-21 को लेकर के शासन द्वारा 4,04,36,00,000 की धनराशि का बजट विकास कार्य के लिए शासन स्तर से मंजूर किया गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष के अपेक्षा 34.74 करोड़ रुपए अधिक होगा, जिससे जिले के विभिन्न कार्य योजनाओं को सुचारू रूप से शासन के नुमाइंदों के द्वारा पूर्ण करवाया जाएगा। यह बैठक जिला योजना बजट को लेकर के कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न की गई, जहां उत्तर प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री व सदर विधायक तथा जिलाधिकारी बांदा मौजूद रहे। जनपद बांदा के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आज जनपद की वार्षिक जिला कार्य योजना की बजट बैठक के संबंध में योजनाओं का क्रियान्वयन रूपरेखा तैयार कर नई बजट योजना को अमल पे लाया गया, जहां पर विगत वर्ष की बजट योजना के मुताबिक वर्तमान वार्षिक बजट योजना के सापेक्ष 34.74 करोड़ रुपए जनपद बांदा को अधिक मिलेगा, जिसकी जानकारी उत्तर प्रदेश शासन के मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने बैठक के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए दिया। इस बैठक में सदर विधायक प्रकाश चंद्र द्विवेदी व जिलाधिकारी बांदा हीरालाल मौजूद रहे। कार्य योजनाओं में केंद्र व प्रदेश द्वारा विभिन्न योजनाओं को संचालित करने तथा शासन की प्राथमिकताओं वाली योजनाओं पर स्वच्छ पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार आदि को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त मात्रा में धन का परिव्यय करने के लिए खाका तैयार किया गया। बांदा से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। को उससे जोड़ा जाएगा और वहाँ सड़क बनाई जाएगी, और दूसरा उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बढ़िया योजना कि जिन गांवों में छात्रों ने बढ़िया मेरिट से पास किया है वहाँ पर भी उसको सड़क देने का काम हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य ने ये घोषणा की है कि वहाँ पर भी सड़क बनाई जाएगी। मंत्री जी, अन्न गौवंशों की स्थिति यहाँ पर भी वैसी बनी हुई है, अन्न घूम रहे हैं गौशालाओं में, भूसा चारा नहीं मिल रहा, मौतें हो रही लगातार, क्या कहें? देखिए, अगर आपके संज्ञान में इस प्रकार की गौशाला है जहाँ पर भूसा नहीं है, भोजन नहीं है, आप हमको लिख के दीजिए, मैं उसका निरीक्षण करूँगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। अन्ना गायों को गौ आधारित प्राकृतिक खेती के आधार पर किसानों को प्रोत्साहित करके उनको उनके बीच में किसान पाठशाला लगाकर उनको प्रशिक्षण करके गौ आधारित प्राकृतिक खेती के आधार पर एक गाय से 30 एकड़ खेती में अच्छा उत्पादन करने का उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का योजना है, और उस योजना करने के लिए निर्णय लिया है, वो भी बजट निर्धारित किया गया है और इस जिला योजना की बैठक में उसको सर्वसम्मत से पारित किया गया। कौन कौन सी योजनाएं हैं, किन चीज, हर विभाग की डिटेल में आपको दे देता हूं, और हर विभाग के डेवलपमेंट के लिए योजना बनाई गई है और शासन में जाके बजट आएगा तो उसका डेवलपमेंट किया। मंत्री जी, आप प्रभारी मंत्री हैं बांदा जनपद के, और यहां पर नरेनी क्षेत्र की बात करें तो विकास बिल्कुल शून्य है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर रास्ते नहीं है, शौचालय नहीं है, मतलब मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे नरेनी क्षेत्र। देखिए, आपका प्रश्न स्वयं में एम्बिगुअस है, कहीं ऐसा कोई स्थान जनपद में नहीं है और उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई जनपद नहीं है जिसमें विकास के लिए बजट ना हो और विकास ना किया गया हो। कई इस प्रकार की प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय बनाए गए, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दैवीय आपदा से पीड़ित आवास बनाए गए, और इस तरीके का सभी पूरा डेवलपमेंट किया गया, सड़कों का निर्माण किया गया, सड़कें गड्ढा मुक्त की गई, पूरे उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हुआ। सुखारी का पुरवा ना होगा, उनका रास्ता भी नहीं है।